So here we are finding the relationship between torque and moment of inertia. Suppose I have a body and this is the axis about which it rotates, and I apply a force to it, to the body, okay? And when I apply tangential force to it, is there a force laga raha hu, to obviously it experiences a tangential acceleration. The entire body experiences tangential acceleration and it starts rotating because it is supposed to rotate about this point. क्योंकि ये पॉइंट से एक्सेस घुसेड़ दिया गया, सीरियल मोशन तो नहीं हो सकता ना, अगर रोटेटरी मोशन होगा इस तरीके का, तो इस पे जो टॉर्क मिलेगा इसको, इस बॉडी को एज अ होल टॉर्क मिलेगा, वो होता है आर क्रॉस एफ, वेर आप क्लियरली देख सकते हैं सर्कुलर मोशन है. तो दिस इज गोइंग टू डायरेक्शन ऑफ एफ, दिस इज द रेडियस डायरेक्शन, ये फोर्स का डायरेक्शन है ना, ये वाला लीनियर, और रेडियस का डायरेक्शन ये है. तो टेंजेंशियल और रेडियल डायरेक्शन में एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है. So I moved R F sine 90 degree. The torque is equals to R or F को हम लिख सकते हैं mass into acceleration. Yes or no? So torque becomes R M और ये acceleration क्योंकि tangential force है. This is tangential acceleration. हमें kinematics से पता है tangential acceleration R alpha के बराबर होता है और M R square alpha. ये हमारा formula आ जाता है इसका. टॉर्क का एंड ऑब्वियसली एम इन टू आर स्क्वायर फॉर दिस वन पार्टिकल इज एम आर स्क्वायर. यस और नो? दिस कैन बी रिप्लेस विथ आई अल्फा एंड दैट इज हाउ वी रीच द फॉर्मूला फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड अल्फा. देयर इज अनदर वे ऑल्सो टू डिराइव इट, दैट इज वी ऑलरेडी हैव डिराइव्ड इट, एल इज इक्वल्स टू आई ओमेगा फॉर अ रिजिड बॉडी, फॉर अ रिजिड बॉडी. और डी एल जैसे कि हमने पढ़ा था न्यूटन्स लॉ ऑफ, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या था भाई, वो ये था कि डीपी बाय डीटी इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल फोर्स, ये पढ़ा था हमने. सिमिलरली वी हैव न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन, बिल्कुल एग्जैक्ट रहता है. और वो कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर, ये था लीनियर मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क अप्लाइड, टॉर्क अप्लाइड. ये आपका न्यूटन्स का सेकंड लॉ हो जाता है. और इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं कि ऐसा है, लेट मी प्रूव इट. इस बात को हमसे अपनी मर्जी से नहीं कह रहे, हम इसे प्रूव भी कर सकते हैं. लेट्स सी हाउ. जैसे कि हमको ये तो पता है एटलीस्ट कि एल एम वी आर होता है, एंड व्हेन आई डिफरेंशिएटेड एम और आर चेंज नहीं हो सकता क्योंकि एम और आर तो फिक्स है. अगर ये अगर पार्टिकल के लिए लिख रहे हो आप, ये फिक्स हो गया, तो ये हो जाएगा डी वी बाई डी टी. यस और नो? एंड देन डी एल बाई डी टी बिकम्स एम आर, और ये क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन. और हम देख सकते हैं कि एम इन टू मा ए इज फोर्स, तो आर एफ आ गया ना टॉर्क. सो वी आर सेइंग दैट डी एल बाई डी टी इज टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई, बिकॉज ऑब्वियसली दिस एक्सेलरेशन कैन ओनली कम ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स, है ना. एक्सेलरेशन नेवर कम्स ड्यू टू इंटरनल फोर्सेज. हम पहले प्रूफ कर चुके हैं कि इंटरनल फोर्सेज किसी प्रकार का एक्सेलरेशन पैदा नहीं कर सकते. तो हमने साबित कर दिया डी एल बाई डी टी तो एक्सटर्नल होता है. और जब हम इसमें रिजिड बॉडी का एल रखेंगे, आई ओमेगा, टॉर्क एक्सटर्नल आ जाएगा. और नेक्स्ट लाइन में टॉर्क एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू आई, हम बाहर ले लेते हैं, और डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा. सो एक्सटर्नल टॉर्क क्या हुआ, आई अल्फा. ये लीजिए, ठीक है, तो ये हमारा एक्सटर्नल टॉर्क की इक्वेशन आ जाती है. ऑल्सो रिमेंबर दैट